अतिकांत हो चुका है लेकिन उसकी बेगम अब तक फरार है। गिरफ्तारी की कोशिशों के बीच शाइस्ता परवीन पर इनाम की रकम 1,00,000 रुपए करने की तैयारी है। वहीं जांच एजेंसी अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसने लगी है। मोस्ट वॉन्टेड लेडी डॉन शाइस्ता पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस का एक्शन जारी है। यूपी से लेकर ओडिशा तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब माफिया की बेगम पर इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 करने की योजना है। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें यूपी समेत देश के कई राज्यों में शाइस्ता की तलाश में है। शाइस्ता परवीन बेहद शातिर अंदाज में पुलिस को चकमा दे रही है, मगर अब उससे जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। अतीक की पत्नी इस बार प्रयागराज में मेयर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, जिसे लेकर पैम्पलेट भी तैयार किए गए थे। शाइस्ता का सियासी सपना साकार नहीं हो पाया, मगर अब अतीक के करीबी ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने पूर्व विधायक आसिफ जाफरी, रिश्तेदार खालिद जफर समेत 6 लोगों को नोटिस जारी किया है। अतीक की हत्या हो चुकी है लेकिन उसके काले साम्राज्य से जुड़े कई राज से अभी पर्दा उठना बाकी है। ऐसे में तमाम एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। वहीं अतीक की हत्या के तीनों आरोपियों की रिमांड खत्म हो चुकी है और उन्हें प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया है। 24 फरवरी को अतीक के इशारे पर उमेश पाल की हत्या हुई, तभी से अतीक के खिलाफ एक्शन तेज किया गया था। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उमेश पाल के परिजनों से मुलाकात की और सुरक्षा का भरोसा दिया है। प्रयागराज में अतीक का खौफ अब खत्म हो चुका है, मगर उसके गैंग को लेकर अभी भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसलिए पुलिस शाइस्ता की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है ताकि माफिया तंत्र पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।